चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अभी ग्रीन्स थ्योरम और लाइन इंटीग्रेशन देख लिया था, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन। तो एक मिनट रुकते हैं पहले। सरफेस इंटीग्रेशन में क्या है कि अब आपके पास एक कर्व की जगह एक सरफेस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सरफेस गिवन है हमारे पास। कि अभी हमने क्या किया, लाइन के अलोंग एक कर्व के अलोंग इंटीग्रेट किया था। नाउ वी विल इंटीग्रेट अलोंग अ सरफेस। तो अब क्या है कि आपके पास मानो एक सरफेस है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे आपके पास पूरी तरीके से एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड है एक्स वाई से। एक वेक्टर फील्ड आपके पास डिफाइंड है सरफेस पे। सरफेस एस मान लिया कि मैंने इसको बहुत आराम से एक पोजिशन वैक्टर से दिखा दिया, एक जनरल पोजीशन वेक्टर से दिखा दिया एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी ए कैप। नॉर्मली इसको जो है हम लोग यू कॉमा वी में भी दिखाते हैं। जैसे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी, दो वेरिएबल का फंक्शन ले सकते हो आप, आई एज ए फंक्शन यू कॉमा वी जे कैप और जेड एज ए फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी ठीक है ना। ये दोनों फॉर्म इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म्स है। तो हमने इस सरफेस को ऐसे पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स वाई जेड। और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड है। मतलब आप कोई पॉइंट दोगे, मान लो आपने ये पॉइंट दिया यहाँ पे फील्ड है, ये पॉइंट दिया यहाँ पे। मान लो कि ये फ्लूइड का सरफेस, ये फ्लूइड छोटे छोटे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जो इस सरफेस से आगे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस सरफेस के, है ना। तो यहाँ दिया तो ये फ्लूइड की वेलोसिटी ये हो गई, यहाँ दिया तो ये वेलोसिटी हो गई, यहाँ लिया तो ये वेलोसिटी हो गई। तो इस पूरी सरफेस पे फ्लूइड का वेलोसिटी मतलब एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड है, फुल्ली डिफाइंड वेक्टर फील्ड है। दैट इज एफ इज एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप एफ वन एफ टू एफ थ्री तीनों एक्स वाई जेड का फंक्शन है ठीक है। एफ थ्री के कैप, ये पूरी फील्ड डिफाइंड है प्रत्येक पॉइंट पे सरफेस के। ये एक बात हो गई। अब क्या देखना है कि अपने को इंटीग्रेट करना है। तो आपने क्या किया, इसका एक जैसे ये जो सरफेस थी मानो ऐसी कुछ सरफेस थी ना हमारे पास, इसका एक छोटा सा आपने क्या लिया, एलिमेंट ले लिया, एक छोटा एलिमेंट काट के ले लिया इसका। ये एक छोटा एलिमेंट डीएस ले लिया ठीक है। और डीएस एरिया एलिमेंट बोलते हैं इसको। डीएस क्या बोलते हैं, डीएस इज एरिया वेक्टर। अब क्योंकि वेक्टर है तो इसमें दोनों होगा, एक डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो डी एस स्मॉल डी एस मान लो, इसकी डायरेक्शन है दैट इज एन कैप नॉर्मल, जो इस एलिमेंट के नॉर्मल है ना ये डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड इज डी एस। तो अब इस एरिया से कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये हमको निकालना है। मैं फ्लूइड फ्लो के टर्म में आपको समझाता हूं कि इस एलिमेंट से कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड फ्लो करेगा जो डिस्चार्ज होता है वो था एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन ए इंटू वी। तो टोटल जो डिस्चार्ज आएगा क्यू, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो क्यू आएगा वो कितना आएगा, उसी के टर्म में मैं आपको दिखाता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ पे मानो एफ ऐसे डिफाइंड है, ये एफ वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो ये आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी इनटू एरिया, और वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द डिस्चार्ज। तो इन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग एरिया, इस एन की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एफ डॉट एन कैप डी एस। तो एफ डॉट डी ए हो गया ये आपका, एफ डॉट डी ए इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू एरिया, मतलब डिस्चार्ज से आप समझ सकते हो कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या है, कि डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड थ्रू द सरफेस। तो छोटे एलिमेंट से तो एफ डॉट एन डी एस आ रहा है, तो पूरी सरफेस अगर कैपिटल एस है तो अगर मैंने पूरा इसको इंटीग्रेशन सरफेस पे कर दिया तो टोटल डिस्चार्ज तो सरफेस आ जाएगा मेरे पास। तो एफ डॉट एन डी एस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, ये क्या है कि पूरी सरफेस से जितना डिस्चार्ज निकल रहा है। तो पहले तो मान लो आपने छोटी छोटी डी एस सर्फेसिस बनाई, फिर आप पहले की जैसे जैसे समेशन करता था मैं, पहले समेशन करते और बोलते कि जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो एन टेन टू इन्फिनिटी है, तो वेन द समेशन टेन टू इन्फिनिटी वो समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है। तो इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि एफ डॉट एन के डी एस क्या है, इट इज डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड थ्रू सरफेस एस।
तो ये फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है सरफेस एस से, और इसी को बोलते हैं ये जो एरिया इंटीग्रेशन आया आपका, पहले लाइन इंटीग्रेशन था, अभी जो एरिया इंटीग्रेशन आया इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपके सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। अब सरफेस के लिए एक बात है, सरफेस स्मूथ सरफेस जो हमारे सिलेबस में है ना, वो सरफेस जिस पे आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट इज स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नॉर्मल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नॉर्मल, कि प्रत्येक पॉइंट पे सरफेस के एक यूनिक नॉर्मल है, मतलब मल्टीपल नॉर्मल नहीं होंगे। तो अगर ये एक स्मूथ सरफेस है देखो, तो हर एक पॉइंट पे जो पॉइंट बोलो आप उस पे एक यूनिक नॉर्मल आपको मिल जाएगा, तो उसी सरफेस को आप क्या बोलोगे, स्मूथ सरफेस। तो यहां तो स्मूथ सरफेस होगी आपको गिवन, या पीस वाइज स्मूथ, पीस वाइज स्मूथ सरफेस मतलब आप उसको पीस पीस करके स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो ही चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो जैसे स्मूथ सरफेस का अगर आप एक प्रिज्मेटिक एग्जांपल लो, तो जैसे कि स्फीयर है हमारे पास, तो स्फीयर का आप कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट लो ये नॉर्मल, ये पॉइंट लो नॉर्मल, ये पॉइंट लो नॉर्मल, एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल आएगी आपको चाहे जो हो जाए। तो दिस इज अ स्मूथ सरफेस, स्फीयर इज अ स्मूथ सरफेस। अब पीस वाइज स्मूथ सरफेस का एग्जांपल है आपका क्यूब, ये क्यूब, क्यूब क्या है, क्यूब एक पीस वाइज स्मूथ है। जैसे मानो कि मैं अगर दो फेस का इस पॉइंट पर नॉर्मल देखूं, तो ये भी आएगा ये भी आएगा, दो तो नॉर्मल आ जाएंगे, तो स्मूथ तो नहीं भी। पर अगर मैं इसको छह अलग अलग फेसेस में देखूं कि F1, F2, एक F3, ये पीछे वाली F4, ऊपर वाली F5, नीचे वाली F6, अगर मैं छह अलग अलग फेसेस में देखूं, तो ये एक पीस वाइज स्मूथ सरफेस है। तो पूरी सरफेस ऑफ क्यूब को मैं कैसे देखूंगा, F1, F2, F3, F4, F5 और F6, छह पीस वाइज स्मूथ सरफेसेस में देखूंगा। फिर आप जो भी हम सरफेस इंटीग्रेशन वो इस पे कर सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग सरफेस इंटीग्रेशन एक एक सरफेस पे करेंगे। एक देर इज समथिंग कॉल्ड ओरिएंटेबल सर्फेसेस, वो इतना हमारे सिलेबस में है नहीं, अभी तक क्वेश्चन आया भी नहीं है, और इतना ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे भी नहीं। तो हमारे सिलेबस में कितना है, एक तो स्मूथ सर्फेसेस है, और ज्यादा से ज्यादा पीस वाइज स्मूथ सर्फेस से पूछेगा, इससे आगे आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने लिख ली, स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ सर्फेस, और ये हमारा क्या हो गया, एरिया इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसके बेस पे हमारे पास दो थ्योरम है, वन इज स्टोक्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और एक है हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या है हमारे पास, अगर आपके पास, तो अगेन मैं प्रूफ की बात नहीं करूंगा, प्रूफ प्रूफ हमारे एज पर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, हमको तो क्या देना है, कॉम्पिटिशन देना है। तो ये तो तैयारी कॉम्पिटिशन की चल रही है, पीएचडी की तैयारी तो चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना जरूरी है उतना देखेंगे, तो प्रूफ नहीं पर स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम शुड बी वेरी वेरी क्लियर, कि आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाए। ठीक है, और प्रूफ अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो फिर क्या है, मानो आपके पास एक सरफेस है, और ये ओपन सरफेस है, एक सरफेस है आपके पास ओपन सरफेस, तो स्टोक्स थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। यस, ये लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी लिखा रहा हूं, और इट इज बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी, ओपन सरफेस बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व सी, ये जो ओपन सरफेस है ये क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हर एक पॉइंट पे सरफेस के एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, प्रत्येक पॉइंट पे फील्ड डिफाइंड है, वेक्टर फील्ड डिफाइंड है। कोई पॉइंट मान लो एफ मिल जाएगा आपको,
तो एफ वेक्टर फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, दैट इज एफ वन आई कैप, एफ टू जी कैप, एफ थ्री के कैप, ये फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। अगर ऐसा है, ओपन सरफेस है बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी और हर एक पॉइंट पे वेक्टर फील्ड डिफाइंड है, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डीएस ओवर दी ओपन सरफेस, इस ओपन सरफेस पे जो आप कर्ल ऑफ एफ का सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस फंक्शन कर्ल ऑफ एफ इज अगेन ए वेक्टर फंक्शन, इस फील्ड का, ये जो नई फील्ड है कर्ल ऑफ एफ, जैसे आप मान लो कर्ल वेलोसिटी का निकाल रहे हो, तो जो एंगुलर वेलोसिटी का जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इस सरफेस पे, इस ओपन सरफेस पे, ये बराबर आ जाएगा आपको लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ओवर द क्लोज्ड कर्व सी, क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, क्लोज्ड कर्व सी के बराबर आ जाएगा ये हमको। अब इसकी नोटेशन कभी भी चाहिए, इसको डी एल बोल देता है कई बार, इसको एन कैप डी एस की जगह डी एस वेक्टर लिख देगा आपको एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है डीएस वेक्टर क्या है, जिसका डायरेक्शन नॉर्मल है एन कैप, और ये डीएस है, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एट द गिवन पॉइंट। तो ये अपने को याद होनी चाहिए थ्योरम कि कर्ल ऑफ एफ इस वेक्टर फील्ड का सरफेस पे, ओपन सरफेस पे जो इंटीग्रेशन आएगा, इसको आप लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर द क्लोज कर्व सी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन को, ये जो थ्योरम है सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देती है, में कन्वर्ट कर देती है। और मैंने आपको बोला था कि जो ग्रीन थ्योरम है वो इसका स्पेशल केस है। तो अगर फील्ड, जैसे तो 3D फील्ड है, अगर फील्ड 2D हो जाए तो जो कर्ल ऑफ एफ है ना, ये क्या बन जाएगा आपको, डेल एफ टू एक्स माइनस डेल एफ वन वाई, वही बन जाएगा डॉट डी एक्स डी वाई, तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे आ जाएगा। अगर ये 2D फील्ड हो जाती ना, तो ये जो कर्व का प्रोजेक्शन सी यहां पे, ये ग्रीन थ्योरम बन जाती है आपकी, दिस इज ग्रीन इंटीग्रल आर, इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो सिर्फ हमको स्टेटमेंट याद होना है, एक एक शब्द याद होना चाहिए, बाउंडेड बाय क्लोज कर्व, सरफेस ओपन होनी चाहिए, वेक्टर फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होनी चाहिए, सरफेस स्मूथ या पीस वाइज स्मूथ चलेगी अपने को, ठीक है, एज पर आवर सिलेबस। तो ये तो एक थ्योरम होगी स्टोक्स थ्योरम, ये लिख लिया हमने, इसके बाद एक और थ्योरम लिखेंगे। तो ये आप आराम आराम से लिखते जाओ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और इसके बेस पे थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम। पहले थोड़ा सा देख लो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या है। मानो एक स्पेस में आपको रीजन ई है, एक ई रीजन है स्पेस में, ये एक्स वाई और सेट, मानो ये कोई भी आर्बिटरी सा वॉल्यूम रीजन ई है स्पेस में, इसके हर एक पॉइंट पे वेक्टर फील्ड डिफाइंड है एक्स वाई सेट, हर एक पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऐसे डिफाइंड करते हैं कि एफ का फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, एफ डीवी, एफ डीवी नॉट एफ डीवी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन की जगह एक इंटीग्रेशन से भी काम चला लेते हैं लोग। तो इसको लिखोगे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी ऑफ, अगर एफ क्या है एफ वन आई कैप, तो एफ वन डी एक्स डी वाई डी जेड बोल दो आप इसको। तो ऐसे आपने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, मान लो आपने ऐसे एलिमेंट ले लिया, तो ये डी एक्स डी वाई, ये डी वाई है हमारे इसके हिसाब से, ये कन्वेंशन के साथ डी एक्स है, ये डी जेड है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड बोल दिया इसको आपने। तो एफ वन डी एक्स डी वाई डी जेड आई कैप, और जो फील्ड है उसका नाम आपने दे दिया एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप। तो जो वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम वी, जो रीजन ई का वॉल्यूम है, एंटायर वॉल्यूम वी इज एफ, को आप ऐसे लिखोगे एफ डी वी, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लो। तो ये क्या आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन तो हम लोग पहले कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, तो इनको अलग अलग करके आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग एल प्लस में। तो ये तीन ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये,
एक आई कैप में, एक जे कैप में और एक की कैप में, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड ऑफ अ वेक्टर फील्ड का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो ऐसे करते हैं। इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा आपको डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बेस पे एक थ्योरम है हमारे पास, दैट इज डाइवर्जेंस थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंस थ्योरम। अगेन स्टेटमेंट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट इसका यह है। सबसे पहले हम तो डायग्राम बना लें, एक्स वाई जेड स्पेस है हमारा, और अब इसमें आपको दे रखा है क्लोज्ड कर्व, एक आर्बिटरी सा क्लोज्ड कर्व है हमारे पास। इसका वॉल्यूम v है, रीजन e दे दिया इसको, क्लोज्ड कर्व सॉरी क्लोज सरफेस। तो पहली पहली बात लिखते जाना भाई भाई, साथ में बिल्कुल लिखते जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। क्लोज्ड सरफेस स्टोक्स के लिए ओपन सरफेस, डाइवर्जेंस के लिए क्लोज सरफेस। प्रत्येक पॉइंट पे चाहे कोई भी पॉइंट दे दो, एक फील्ड मिल जाएगी आपको, वेक्टर फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है रीजन ई में। तो एफ एक्स वाई जी प्रत्येक पॉइंट पे डिफाइंड है, एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप, हर एक पॉइंट पे एक फील्ड डिफाइंड है। ये एक बात, दो बात हो गई, क्लोज सरफेस पे फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। तो अगर ऐसा है तो जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस ओवर दी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी के बराबर है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रेशन है उसको आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी के बराबर लिख सकते हो। अगेन आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ, आप इसको याद रखिए क्योंकि हम लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना ही पढ़ रहे हैं गेट और आईएएस के लिए, इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा। पर याद क्या रखना है डाइवर्जेंस थ्योरम में, सरफेस होनी चाहिए क्लोज्ड, हर एक पॉइंट पे फील्ड डिफाइंड होनी चाहिए, तो आप क्लोज सरफेस पे जो ये वेक्टर इंटीग्रेशन करोगे इट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम ने वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, कंसीडर अ क्लोज सरफेस, एक मिनट, कंसिडर क्लोज सरफेस एस सराउंडिंग वॉल्यूम, एक क्लोज सरफेस एस है जो वॉल्यूम वी को सराउंड कर रहा है। इफ आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इनसाइड एस, मानो एक क्लोज सरफेस एस है और हर एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आपको आर देके रखा है, तो हर एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर खुद एक वेक्टर है, तो मतलब हर एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर डिफाइंड है, तो ये तो वेक्टर फील्ड हो गई आपकी। आर वेक्टर क्या हो गया, ये फोर्स फील्ड दे दिया आपको। इफ आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इनसाइड एस विद एन कैप द यूनिट नॉर्मल ऑन एस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए आपको, तो ये क्या है आपके पास फाइव, तो भाग ले लो आप आर डॉट एन कैप डी एस, आर डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो आर वेक्टर तो क्या है f हो गया f डॉट n कैप ds, और जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस पे तो क्या लगेगी, कौन सा स्टोक्स लगेगी कि डाइवर्जेंस लगेगी, स्टोक लगती है ओपन में और डाइवर्जेंस लगती है क्लोज में, तो यहां लगेगी क्लोज सरफेस। तो f डॉट ds को आप किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f, तो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर dv, तो डेल डॉट r तो मैंने आपको याद करने को बोला भी है, आप अभी निकाल भी सकते हो। तो डेल बाय डेल x ऑफ x 1, डेल बाय डेल y ऑफ y 1, डेल बाय डेल z ऑफ z इज 1, तो 3 आ गया, तो ये तो 5 into 3 बाहर हो गया, और ओवर द वॉल्यूम v dv, तो इसका आंसर क्या आ गया 15v आ गया, ठीक है। तो 15v इज करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो
दी फॉलोइंग सरफेस इंटीग्रल इज इवेल्यूएटेड ओवर अ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर और ये फील्ड दे रखी है आपको, दिस। तो स्फीयर तो क्या है, एक क्लोज सरफेस है, तो पहले तो लिख लिया स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस। तो थ्योरम कौन से लगाएंगे, डाइवर्जेंस, ये तो यहां से क्लियर हो गया। और आपको इवेल्यूएट करना है इसको, तो 1/4 बाहर आ गया, और मैं तो इसको सीधा ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिखूंगा, आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। और एफ देखो क्या दे रखा है, फील्ड आपको दे रखी है ये, इसका आंसर निकालना है, एस इज द स्फीयर, दिस इज दिस एन इज आउट द वैल्यू ऑफ सरफेस निकल, कुछ नहीं है, ये भी 1/4 बाहर आ गया। एफ डॉट एन डी ए को लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और एफ क्या है, ये तो वापस मुझे आर वेक्टर दिख रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डीवी ओवर द वॉल्यूम इसका स्फीयर का, तो ये क्या हो गया 1/4, डाइवर्जेंस ऑफ आर तो 3 हो गया, 3 बार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वी आ गया आंसर, तो 3/4 वी। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैस में, स्फीयर का रेडियस 1 है, 1 का क्यूब, तो ये सब तो कैंसिल हो गया, तो पाई आंसर आ गया, ठीक है। तो पाई यूनिट्स क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम इज पाई यूनिट्स, तो ये आपका आंसर, वेरी सिंपल। ये देखो एक अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड एज दिस 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 दिस, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस, तो अब क्यूब है, मैंने कहा था क्यूब भी चलेगा आपको क्योंकि पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, तो क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है, वापस क्या लगाओगे, डाइवर्जेंस थ्योरम, क्लोज सरफेस डाइवर्जेंस थ्योरम। और अगर आप देखो तो ये तो मुझे क्यूब यूनिट क्यूब दिख रहा है, ठीक है, ये क्यूब की डायरेक्शन शायद 0 0 0 से, ओके, वेरी सिंपल, तो 0 0 0 1 1 1 ये वाला क्यूब ही है, ठीक है। तो एक यूनिट क्यूब आपकी सरफेस है, इसका वॉल्यूम चाहिए हमको, तो है वॉल्यूम दे ही रखा है, वेरी सिंपल। तो एफ डॉट डी एस निकालना है अपने को, तो एफ क्लोज सरफेस पे एफ डॉट डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, और एफ क्या है हमारे पास, वाई आई कैप एक्स जे कैप और जेड के कैप, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, भाई डाइवर्जेंस मत भूल देना निकालना, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, ये हो गया डी वी। तो ये तो वन आ गया, ये 0 ये 0, तो 1 तो बाहर ले लिया हमने, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही आंसर आ गया। और यूनिट क्यूब के वॉल्यूम क्या होगा, एक साइड तो 1 है, तो ए क्यूब तो 1 का क्यूब, 1 यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर इज वेरी सिंपल, ओके। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ये भी देख लो, इसके बाद और भी क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, एक दो टॉपिक और बाकी है वो भी करा दूंगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस दिस दिस, ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन स्फीयर, स्फीयर मतलब क्लोज सरफेस मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम, तो 1/π तो बाहर ले लिया मैंने, और सीधा ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखो, है ना, ओवर द वॉल्यूम वी ऑफ स्फीयर, है ना, वी और रेडियस 3 है, तो डाइवर्जेंस क्या आएगा इसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ 9x इज 9 प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ 3y इज -3 हो गया, तो 3 और जेड तो है ही नहीं, चलो तो ये क्या हो जाएगा, डी वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये रहा, तो 6/π ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ डी वी, तो 6/π वी आ गया, दैट इज 6/π 4/3π आर क्यूब, आर क्या है, 3 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 24/3 इंटू 3 3 9 3 27, तो 24 9 9 26 9 2 18 3 216, 216 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर, जो वॉल्यूम आया वो आपका है 216। और देख लेते हैं और कुछ है, तो आई थिंक खत्म हो गया ये, है ना, इसके बाद दो चार क्वेश्चन और हैं, और एक दो चीजें और बतानी है,
मैं आपको बताता हूँ कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ये बता दूंगा। तो ये ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम पे हो गया, एक दो स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चन ले लेंगे। चलो